हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। करीना कपूर उन चंद बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपने बिंदास अंदाज, ग्लैमर लुक और एक्टिंग के बलबूते अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती हैं। ऐसा कहा जाता था कि एक हीरोइन का करियर शादी के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन करीना ने इस ट्रेंड को बदल दिया। बॉलीवुड की इस क्वीन की शादी साल 2012 में हुई थी, लेकिन अभी भी करीना ना सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से सबसे ऊपर हैं, बल्कि उनके पास ना ही तो फिल्मों की कमी है और ना ही एड्स की। मैडम की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं तैमूर के लाइफ में आने के बाद करीना कपूर की जिंदगी कितनी बदल गई है? चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वन फिल्म पर ईयर। कपूर खानदान की लाडली करीना एक टाइम पर साल में 3 से 4 फिल्में करती थी। सैफ से शादी करने के बाद भी करीना कम से कम 2 फिल्में तो करती ही थी, लेकिन तैमूर के जन्म के बाद करीना ने साल में सिर्फ एक ही फिल्म करने का फैसला किया। करीना चाहती हैं कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने बेटे को भी पूरा वक्त दे सके। यही वजह है कि अब करीना की साल में एक ही फिल्म आती है। पिछले साल करीना की एक ही फिल्म आई थी, वीरे दी वेडिंग। वहीं इस साल भी उनके अक्षय के साथ फिल्म गुड न्यूज आने वाली है, जो कि इस साल होने वाली उनकी इकलौती फिल्म है। टेलीविजन डेब्यू। टीवी पर बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस डेब्यू कर चुकी हैं, फिर चाहे वो करिश्मा हो या फिर रवीना या शिल्पा हो या फिर माधुरी। आज टीवी पर बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस का डंका बजता है। काफी टाइम से लोगों की चाहत करीना को छोटे पर्दे पर देखने की थी, जो कि मैडम ने साल पूरी भी कर दी और वो डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ द चैंपियंस शो को जज कर रही हैं। आपको बता दें कि करीना ने अपने करियर में कई फिल्में की हैं, लेकिन उन्होंने टीवी पर आने का कभी नहीं सोचा था। लेकिन तैमूर के आने के बाद अब उन्होंने ये काम करके भी सबको चौंका दिया है। ब्रांड इक्विटी। करीना कपूर ने अपने अब तक के करियर में कई बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स किया है, लेकिन शादी और तैमूर की लाइफ में आने के बाद करीना की ब्रांड इक्विटी पहले से काफी बढ़ गई है। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक एड के लिए लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, वहीं करीना को तैमूर के चलते एक हेल्थ ड्रिंक को एंडोर्स करने के लिए 11 करोड़ रुपए का ऑफर आया था। फिटनेस फ्रीक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक टाइम ऐसा था जब करीना जीरो फिगर के लिए जानी जाती थी, लेकिन तैमूर के जन्म के दौरान करीना कपूर खान काफी मोटी हो गई थी। लोगों को भी हैरानी होने लगी थी कि आखिर वो अब कैसे अपने आप को पहले की तरह फिट कर पाएंगी। करीना के डेडिकेशन ने लोगों की सोच को बदल डाला। करीना ने कुछ ही महीनों में खुद को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि सब देखते ही रह गए। आपको बता दें कि करीना बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेसेस में आती हैं। आए दिन वो जिम के बाहर स्पॉट होती रहती हैं और उनकी वर्कआउट वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि तैमूर के जन्म के बाद से ही करीना पहले से ज्यादा अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगी हैं। वेकेशंस। सैफ की बेगम को घूमना बेहद ही पसंद है। वो साल में कई बार घूमने जाती हैं, लेकिन तैमूर के लाइफ में आने के बाद बेबो अब और भी ज्यादा घूमने लगी हैं। दरअसल करीना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहती हैं, इसलिए वो काम के साथ साथ अपने हस्बैंड और बेटे को भी पूरा टाइम देने की कोशिश करती हैं। कहा जाता है कि तैमूर के आने के बाद से ही करीना पहले से ज्यादा केयरिंग हो गई हैं और फैमिली को टाइम कैसे देना है वो बखूबी जानती हैं।